चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। सोना चांदी इधर आओ मेरे बच्चों, सोना चांदी मुझे ईद तो मिल लो। शाम से ईद नहीं मिलूंगी। क्यों बेबी? यार नबील तुमने कुर्बानी तो की नहीं, हम तुमसे ईद क्यों मिले? हम नेबर्स में ईद मिलने जाए। आओ चांदी। और जानू आओ ईद तो मिल लो। शर्म तो तुम्हें नहीं आ रही होगी ना नबील? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे इसी बात का तो अफसोस है नबील कि तुम्हें पता ही नहीं है तुमने क्या किया। पूरे मोहल्ले में कुर्बानी हो गई है, अगर कहीं नहीं हुई ना तो हमारा घर है। ओ जानू इसमें मेरा क्या कसूर है? हम लोग तो बकरा लाए थे, वो गायब हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी नीयत ही खराब थी नबील। जानू तुम सस्ते के चक्कर में ना ऐसा बकरा ले आए जिसके ऊपर जिन था। ओ जानू इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें हमारा फायदा ही था। व्हाट? हां जानू अगर हम उसे जिन समेत ही ज़िबा कर देते तो डबल गोश्त निकलता। शट अप नबील, पूरे मोहल्ले में तुमने हमें ज़लील करवा दिया। मेरी बेटी अपनी दोस्तों से मुंह छुपाती फिर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओ जानू मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी नबील। जानू जानू मुझे दूसरा गधा चाहिए दलावर। अरे क्या तुम्हारा मेरे साथ गुजारा नहीं हो रहा? मुझे अच्छा वाला गधा चाहिए दलावर। महमूद हाँ, मुझे अच्छा वाला महमूद चाहिए गधे। यार मोमो मैं अच्छा वाला बकरा कहाँ से लाऊं? मेरे पास जितने पैसे थे वो पिछले एपिसोड में खर्च हो गए हैं। अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अच्छा वाला गधा चाहिए, चाहे उसके लिए आपको वो क्यों ना करनी पड़े। वो क्या? वो जो आजकल हर घर में हो रही है। लोड शेडिंग? नहीं, जो लोड शेडिंग में होती है। गर्मी? नहीं, जो चोर करते ना। हाँ, चोरी। मुझे अच्छा वाला गधा चाहिए, नया वाला, चाहे उसके लिए आपको चोरी क्यों ना करनी पड़े। अच्छा गधा ला के दे, मुझे अच्छा गधा ला के दे। मामा महमूद साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, जानवर कहाँ से आएगा यार? जो पैसे थे वो बकरे पे और उस बाबे पे खर्च हो गए। अरे पैसे तो मेरे खर्च हुए हैं नबील। महमूद साहब आपके और मेरे पैसे दो हैं क्या? नहीं नहीं एक ही है। हाँ तो एक ही है ना यार, आपके नोटों पर भी कायद की तस्वीर है और मेरे नोटों पर भी, तो एक ही हुए ना यार। अरे आपके पैसे खर्च हुए तो मेरे पैसे खर्च हुए, और मेरे पैसे खर्च हुए तो मेरे ही पैसे खर्च हुए ना। अब आप मुझे खर्चा देंगे क्या? हाँ यार इन बातों को छोड़ो नबील, अब ये सोचो कि करना क्या है। तुम्हारी माँ ने सुबह के मुझे ताने दे दे के मेरी जिंदगी अजाब करती है। ओ यार खूबसूरत भी मुझे सुबह से ताने दे रही है कि मोहल्ले में गोश्त बट रहा है और लोग क्या कहेंगे कि बुलबुले वालों ने कुर्बानी नहीं की। नबील एक आइडिया आया। क्या? अरे बाजार से गोश्त खरीद के मोहल्ले में बांट देते हैं। वेरी गुड महमूद साहब, एक खाल खरीदते हैं उसे बाहर लटका देते हैं ताकि मोहल्ले वाले समझे हमने कुर्बानी की है। क्या नबील, लेकिन खाल तो बहुत महंगी मिलेगी। काम करें महमूद साहब, आप अपनी खाल उतार के दरवाजे पे डाल देंगे। मोहल्ले में बोल दे कि हमने बहुत बड़े मुंह वाला जानवर किया है। नबील मेरा मुंह कम से कम अली इमरान से तो छोटा है, बकवास नहीं करो तुम। ओ यार महमूद साहब खाल की टेंशन ना ले, खाल फिर आ जाएगी यार। अरे खाल को छोड़ो यार नबील, कुर्बानी का सोचो, ईद के दिन भी हम गोश्त खाने को तरस रहे हैं। हाँ यार मोहल्ले वालों ने भी गोश्त नहीं भिजवाया। यार महमूद साहब हो सकता मोहल्ले वाले गोश्त लेके आए हो। अरे चलो नबील कुर्बानी ना सही, गोश्त तो खाएं। चलो चलो लाओ भाई लाओ। महमूद ईद मुबारक। ईद मुबारक लेकिन शेर खान ने ऐसे अचानक ईद के दूसरे दिन। अरे खैरियत तो है ना, कई भाभियों से लड़के तो नहीं आ रहे? नहीं यार, असल में तुम्हारा भाभी है जो वो ईद मनाने के लिए अफगानिस्तान गया हुआ है। क्यों आप ईद नहीं मनाते? वो यार क्यों नहीं मनाते, वो लोग अपना फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए गया है, तो फिर हम ईद रखेला क्या करता। हमने सोचा कि चलो यार हम महमूद के पास जाते हैं, उधर कुछ कोरमा शोरमा ईद के मौके पर खाते हैं। वो तुम लोग के घर में क्या कुर्बानी नहीं होते? नहीं खास साहब, कुर्बानी तो हमने कल ही कर दी थी। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरा पास सुनो, ये हमारे को दरवाजे के पास तो कोई खून मुंह नजर नहीं आया। ऐसे शेर खान हमने बकरा किया था लेकिन उसमें से खून ही नहीं निकला। हवा हवा निकली थी, वो हमने बच्चों के फुटबॉल में भर दी। और उसका खाल? उसका खाल उसके खाल की मामोज साहब ने टोपी बनवा ली। वो यार तो फिर उसके गोश्त मोश्त होएगा ना, फिर हम उसका कोरमा वोरमा खाएगा। कहा खान साहब, उसका गोश्त तो कीड़े खा गए। मेरा खुआ
और यार फिर एक बात तो बताओ, तुम लोगों ने ईद पर फिर क्या खाया? क्या खाते शेर खान, हमने कीड़े खा लिए। तो यार खाना खराब, तुम ये कैसा बात करता ईद के दिन? यार जो स्क्रिप्ट में लिखा था खान साहब वही बोल रहे हैं, अब और क्या बोलते हैं। यार तुमने तो ऐसा जैसा पता नहीं कैसा कुर्बानी कर लिया, मगर हम तो ये सोच रहा था कि तुम लोग के साथ मिलकर कुर्बानी करेगा तो बहुत मजा आएगा। अरे खान साहब आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? आइए हम आपको अब सच सच बताते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। आइए बैठिए। ओ यार ये तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। यार शेर खान हमारी किस्मत ही खराब है। अरे घर वाले गोश्त खाने को तरस गए हैं। वही तो, तुम्हारे मेहल्ले वालों ने भी तुमको गोश्त नहीं भिजवाया? नहीं खान साहब, पड़ोस वालों ने ना बच्चे के हाथ गोश्त तो भिजवाया था। इसका मतलब है कि हमको कोरमा मिल जाएगा? ओ नहीं खान साहब, बच्चा गोश्त लेके आ रहा था, ऊपर से चील आई, वो गोश्त लेके चली गई, वो खड़ा देखता रह गया। बस करो यार बस करो, अब के तुम हमको रुलवाएगा? तो यार कोई ऐसा बात नहीं है, हम तुम लोगों के साथ मिलकर कुर्बानी करेंगे। क्या? हाँ यार, अब जब हम आया है तो कोरमा शोरमा क्या कर जाएगा। मोमो खूबसूरत, अरे खूबसूरत मोमो। अल्लाह जी क्या हुआ क्या हुआ? गिद्दड़ सिंह आ गया। अरे गिद्दड़ नहीं मोमो, शेर आया है। शेर कुर्बानी के लिए। शेर की कुर्बानी कौन करता है? अरे शेर खान हम लोगों के साथ मिलकर कुर्बानी करने के लिए आया है। जानू खान साहब के लिए ना नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो फौरन। घर में नाश्ता नहीं है नबीर। घर में नाश्ता नहीं है तो क्या हुआ? खान साहब को ठंडा या पानी पिला दो। दो खान साहब मामू साहब आप जरा मेरे साथ। हमें एक बार फिर कुर्बानी करने का मौका मिल गया। वो कैसे? शेर खान को कहते हैं। अरे क्या शेर खान की कुर्बानी करेंगे? तो नहीं यार, उसकी कुर्बानी कहाँ जायज होगी। हाँ यार, उसका तो गोश्त भी आसानी से नहीं गलेगा। अरे यार सुने, शेर खान ने भी कुर्बानी नहीं की। हाँ? अरे हम उसे पटाते हैं कि हमारे साथ मिलकर कुर्बानी कर ले, इस तरह हमारी भी कुर्बानी हो जाएगी कैसा। अरे लेकिन हमारे पास कुर्बानी के पैसे कहाँ हैं यार? अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। वो जो तुम पे छोड़ना है वो सब है। हाँ जी सर जी। बाबी तुम तो बहुत मखौलिए। थैंक यू। मोमो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बबर खान से बातें कर रही थी। शमशेर। शेर। हाँ मैं शमशेर खान से बातें कर रही थी बबर शेर। अरे जाओ जाके शेर खान के लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो, तुम्हें नहीं पता? अरे शेर खान हमारे साथ मिलके कुर्बानी कर रहा है। वैश्य वशे मैं अभी लाती हूँ, हट जाओ। जी जी माँ जी, जी माँ जी। शेर खान साहब हम एक बात सोच रहा था। वो क्या भाई? देखिए खान साहब, आपने भी कुर्बानी नहीं की और हमसे हुई नहीं है, क्यों ना हम मिलजुल के कुर्बानी कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या आइडिया है यार। लेकिन नबील हम लोगों ने इस मर्तबा बैल की कुर्बानी करनी थी ना। हाँ तो ठीक है, हम भी बैल में अपना हिस्सा डाल देगा। ठीक है खान साहब, फिर आप एक काम करें, बैल में 6 से आप डाल लीजिएगा, बाकी मैं और मैं मुसा डाल लेंगे। हाँ यार ये ठीक है, इसमें तो फिर हमारा फायदा है। ये लो ये पूरा पूरा 50,000। ओ खान साहब बैल खरीदना है, डोर बैल नहीं खरीदनी। यार ये 50,000 तो बहुत कम है। ये राम तो इतने पैसे लाया था, अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आता है तो फिर रहने दो। खान साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे मेहमान हैं यार, कोई मसला नहीं है, बाकी के पैसे मैं डाल लूंगा ना। वो जो बाकी के तुम डालोगे वो पैसे होंगे। हाँ जी। अच्छा जी, और आप क्या समझे मैं धमाल डालूंगा। चले बैल लेकर आते। अच्छा बात सुनो, जरा जो बैल लाएगा वो जरा तगड़ा मगड़ा होना चाहिए। अरे फिक्र क्यों करता है खान साहब, महमूद साहब से तगड़ा होगा। वे कुर्बानी अल्लाह को प्यारी ये कुर्बानी। ओ यार कोई हमको चाय माय तो पिलाओ यार। अरे मामू साहब 50,000 में हम मिल गया यार। अरे 50,000 तो आ गया, लेकिन 50,000 में बैल कैसे आएगा नबील? अरे बैल लाना किसने है महमूद साहब? क्या 30,000 का बकरा लेके आएंगे और बाकी 20,000? क्यों, हमने महीने का खर्चा नहीं करना? देख लो नबील, शेर खान को पता चल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ यार महमूद साहब छोड़े यार, देख लूंगा मैं शेर खान, बड़े बड़े देखे मैंने शेर खान, कौन सा शेर खान कैसा शेर खान, और देख लूंगा शेर खान को। चले तुम लोग क्या कर रहे हैं? घर में बैल आने वाला है,
कुछ तैयारी मैयारी करो। तो क्या करें, घर में क्या लाइटें लगा दे? ओ यार कोई तंबू मंबू लगाओ पार्क में। विश्य विश्य। ओ बूमो बहन, तुम बैल के लिए कोई घंटी मंगवा लो। बैल वाली घंटी तो दरवाजे पे लगी है, वो आएगी तो बजा लेगी। वो यार चिठाई मिठाई तो बजाओ बाहर। ना तूने वहाँ सोना है? और हम दे नहीं सोना है, मगर बैल के बैठने के लिए कुछ जगह मगा तो होना चाहिए ना यार वीआईपी। खान साहब ये सोफा रखवा दे बाहर। वो यार कैसा लोग तुम, बैल आने का तुम लोगों को कोई खुशी मुशी नहीं है? भाई पहले बैल तो आने दे, फिर खुश भी हो जाएंगे हम। ये चीज आप इसको अच्छी तरह छुपाएं यार, जल्दी करें। अरे छुपा तो दिया यार, पूरी चादर डाल दिया, और क्या करूं? इसके मुंह पे चादर डालें यार, जल्दी करें। यार नबील, अगर शेर खान को पता चल गया ना कि हम बैल की बजाय बकरा ले आए, वो हमें छोड़ेगा नहीं। ओ यार क्या मतलब है नहीं छोड़ेगा, 50,000 रुपए तो दिए थे उसने, 50,000 में तो बैल के सींग नहीं मिलते, हम तो फिर बकरा लेके आ गए और वो भी अच्छा खासा। देख ले यार नबील। ओ यार कुछ नहीं, तो मैं मुसाफ खान साहब को पता भी नहीं चलेगा यार, बकरे को ना पीछे ले जाते हैं, वहाँ छुपा देते हैं, कसाई ला के करवा देते हैं। यार खान साहब ने कोरमा ही खाना ना, बकरे का हो या बैल का हो यार। चले चलो ये कौन सा जानवर ले आए तू? ओ माँ जी ये आपके शौहर हैं। मैं इस वाले जानवर की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी ये बैल है। हाँ? झूठ मत बोलो नबी, ये तो बकरा है। अरे आहिस्ता बोलो खूबसूरत, शेर खान ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। ओए महमूद, ओए मारो बैल आ गया। ओ माँ जी पकड़े पकड़े। खतरनाक बैल है यार, जब हम उसको ट्रक में ला रहा था ना तो उसने दुलत्ता मारा है, 4-5 बंदों को ऐसे ऐसे करके गिराया है। हाँ, और अभी अभी उसने मोमो को टक्कर मारी है, उसकी याददाश्त चली गई है। उधर शमशीर, बाहर जो बकरा है ना वो रस्सियां तोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। बकरा? देखा मेरी माँ की क्या हालत हो गई है, बैल को बकरा बोल रही है। वो यार हम कुछ नहीं जानता, हमको सिर्फ बैल देखना है, बैल। अरे ये देखना यार, मैंने तस्वीर खींच ली थी उसकी, ये देख कितना खूनखार है। ओ यार ये तो बहुत तगड़ा बैल है यार। हाँ खान साहब, 2,50,000 रुपए का बैल है। 50,000 आपने दिए, 2,00,000 हमने डाले। आप पता है 6 हिस्से हमारे और 1 हिस्सा तुम्हारा। हाँ और अब कसाई के पैसे आपको देने होंगे, निकाले 10,000 रुपया। वो गोली मारो कसाई को, ये बैल वेल तो हम खुद जिबा कर लेते हैं यार। वो कसाई का जरूरत नहीं है, बैल का गर्दन पे चुरी हम खुद पेरेगा। जब तुम उसका पैर वैर पड़ो, उसको काबू करो, हम चुरी लेकर अभी आता है। ओ यार जाओ इधर, मेरा मुंह ना थको यार, जाओ। क्या करें, वो तो कह रहा मैं बैल को खुद ज़िबा करूंगा। यार नबील मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि शेर खान के साथ झूठ मत बोलो, अब अगर उसे पता चल गया कि हम बैल की जगह बकरे को कुर्बान कर रहे हैं तो उसने हम दोनों को कुर्बान कर देना है। मनोज साहब, हाँ आइडिया आया। क्या? बाबी जरा जल्दी आओ, चुरी मुरी लेकर आओ। हाँ मैं बताइए लीजिए। ये क्या? ये चुरी है। हमने बैल को ज़िबा कर रहे हैं, उसको मक्का नहीं लगाना है। हमको तेज चुरी ला के दो, हमको कुर्बानी कर रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, हमको बैल को ज़िबा कर रहे हैं। खासा क्या हुए? वो खासा वो बैल जो है ना, उसने महमूद साहब के पेट पे टक्कर मारी और महमूद साहब बेहोश हो गए। और तो और खान साहब, उस खतरनाक बैल ने रस्सी भी तोड़ ली है। क्या? वो ना पागल सांड की तरह ना लॉन में घूम रहा है, इससे पहले कि वो दरवाजे को टक्कर मारे और अंदर घुस आए। आप जाएं और उसको ज़िबा कर दें प्लीज। ओ लेनस भेजो यार, इस बदतमीज बैल का कौन मुंह लगे। ओ यार ये ना 10,000 रुपया और जाके कसाई को ला और ये बैल को ज़िबा करो। खान साहब अगर 4-5 हज़ार रुपये और दे देते तो महमूद साहब को आग में लेके जाना था। ये लो यार और जाओ जल्दी से, हमारे को तो ये खुरमा बहुत महंगा पड़ गया है। नहीं नहीं खादा बस। आओ भैया, आजा। गाय कहाँ है भैया? गाय? अरे गाय की कुर्बानी तो हमने कर ली, अब बकरे की करनी है। यार आपने तो मुझे गाय का कहा था। भाई गाय हो या बकरा क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भाई, बकरे को काटने में टाइम लगता है। अरे लोहे का बकरा थोड़ा कटवा रहे हैं तुझसे, 2 मिनट में कट जाएगा। ओ भाई मैं 2 मिनट में बकरा नहीं काटूंगा, पहले चारा वारा खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, जब वो पेट भर के सुकून की नींद सो जाएगा फिर बकरा काटूंगा।
और पुत्र वो चीता खान कह रहे हैं कि सबसे पहले कोरमे का साफ साफ गोश अलग कर दे, उसे बड़ी भूख लगी है। यार नबील कहाँ फंस गए यार, वो कोरमे के चक्कर में कहीं बाहर ही ना आ जाए। माँ जी आप एक काम करें। हाँ बोल पुत्र। माँ जी घर के अंदर जो गोश्त पड़ा है ना उसका कोरमा बना के शेर खान को खिला दे और कह दे उसे कुर्बानी हो गई। पुत्र घर में तो सिर्फ मुर्गी का गोश्त पड़ा है। यार तो उसी का कोरमा बना दो। और जल्दी से जाओ, उसे बाहर ना आने देना। जाओ 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 जल्दी जाओ। ओ भाई ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब, सुबह से जानवर दिबा कर करके थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। तुम लोगों में तो जरा सी इंसानियत ही नहीं है। मामू साहब चले इसकी टांगे दबा देते हैं, यार बड़ा थका हुआ इंसान है। जीना दबाऊं इसकी मैं? ओ यार जल्दी से बैल का खोरमा लेकर आओ। ओ यार बहुत भूख लग है। हाँ जी भाई ये लीजिए। वह क्या जबरदस्त खोरमा है, बहुत जबरदस्त खुशबू है। आप लोग नहीं खाएगा? नहीं जी, मेरी तो चिकन खा के मत ही मारी गई है। क्या मतलब कि हम दोनों नबील और महमूद साहब के साथ ही खाएंगे, वो जरा कसाई से फारिग हो जाए ना फिर। चलो अच्छा है, हम तो खाएगा। वाह 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 वाह, लोग ठीक कहते हैं, कुर्बानी का गोश्त का खुशबू बिल्कुल अलग होता है। पता ही नहीं चल रहा है कि बैल का गोश्त का कुर्मा है। ये क्या है? ये लात है ना, जिसको कहते हैं ना वही, मुझे तो तेरी लात लग गई, वही वाला है यार। ये तो मुर्गी का टांग है। हाय हमारे बकरे में एक टांग मुर्गी की भी थी। माँ जी बकरा नहीं बैल। और तुमने हमारे से धोखा किया, हमारे को बैल के बजाय चिकन का खोर में खिलाया। और चल छाड़ ना, नखरे ना कर खा ले अब। और हमको नहीं चाहिए 50,000 रुपए में ये मुर्गी। और तुमने हम लोगों को बेवकूफ बनाया, हम उसको महमूद को और नबील को नहीं छोड़ेगा, हम उसको गोली मार दे। माँ जी अब तो बकरे की जगह नबील और महमूद साहब की कुर्बानी होगी। अरे कसाऊ जल्दी कर वरना हमारा बाप शेर खान आ जाएगा। वो पहले दुआ तो पढ़ ले दो भैये। और भाई इसको गिरा दो सही पहले। वो तुमने हमसे पैसा लिया बैल का, लाया बकरा, खिलाया हमको मुर्गा, और हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।